यस मैडम, आपका कुरियर आया है। ओके मैडम, वन साइन प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मैडम। ओके हाय हीरा, इट्स योर गौतम। वेलकम टू आवर ड्रीम हाउस, दिस होम विल बी द हेवन। मैं हमेशा सपना देखता था कि हम साथ रहें, हमारा घर हो, और इसलिए मैंने ये फ्लैट खरीदा है। आवर प्रीशियस ड्रीम्स कम्स ट्रू, यहाँ हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। यहाँ मैं रोज रोज तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी जुल्फों से खेलूंगा, जहाँ हमारी छोटी सी दुनिया होगी, जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू बी हियर फाइनली। मैं एक जरूरी काम में फंस गया हूँ, पर एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई विल बी देयर विद यू। जैसे ही काम खत्म हो जाए, विल फ्लाई बैक टू कोची। ऑल अवर पेन्स आर गोइंग टू बी ओवर। योर्स गौतम। मुझे पता ही नहीं चला कि गौतम मेरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा कब बन गया। ऑफिशियल मीटिंग तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन गौतम से दोस्ती प्यार में धीरे धीरे बदलने लग गई। हम पास आते चले गए, लेकिन प्यार के सफर में मुसीबतें तो आती ही हैं। गौतम पहले से ही शादीशुदा है, शायद सोसाइटी के लिए या हमारे घर वालों के लिए ये रिश्ता जायज नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये रिश्ता दुनिया से परे है। और हम दोनों ने मिलके हर प्रॉब्लम का सामना किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैसे ही हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला गया, और आखिरकार हम दोनों ने जो सपना देखा था वो सच होने वाला है। ये सब सिर्फ गौतम की वजह से पॉसिबल हुआ। हिज कैरेक्टर वॉज टू सिमिलर लाइक फ्लावर्स, जहाँ जाता अपने रंग बिखेर देता। फ्लावर्स कैन मेक चेंजेस इन अवर लाइफ, दे कैन डिस्ट्रॉय अवर बैड फीलिंग्स, एंड इट्स अ बेस्ट मेडिसिन फॉर अवर सैडनेस। हाँ मैम सर। जरा फ्लैट क्लीन करके रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और कुछ काम बाकी है, मैं वापस आके बताती हूँ। ये लो फ्लैट की चाबी, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में आया ना?
की अलमारी में ही सब कुछ मिल जाएगा। पर तुझे कैसे पता वहाँ कुछ न कुछ रखा ही होगा? बता। जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। ए सुन, कहीं तुम्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है बे? तुम फोकट में मरोगे। मैं तुम लोगों को क्यों फंसाऊंगा? हे हट, तू एक नंबर का गधा है। बता नहीं सकता था कि लॉक लगा है? तोड़ेंगे कैसे? मुझे लॉक के बारे में थोड़ी पता। इसे खोलने के लिए कुछ लेके आ। इससे हो जाना चाहिए। तोड़ इसे। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? अंदर काम कर रहा था इसलिए देर हो गई। अच्छा, आज के लिए बस हो गया। तुम जाओ, बाकी मैं खुद साफ कर लूंगी। ठीक है। मैं अभी आया हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझाता हूँ। मैं गौतम, कम इन। हियर जस्ट वन सेकंड। ओके साइमन, विल सी यू। ओके बाय। जल्दी है, पहले फ्रेश तो हो जाओ, फिर जो करना है वो करते रहना। हीरा, हीरा, हे,
हेलो हीरा, तुम चुप क्यों हो? हे स्पीक अप हीरा। हीरा हीरा, हे व्हाट हैपन हीरा, हीरा हीरा व्हाट हैपन, हीरा 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 व्हाट हैपन हीरा। वो कॉर्नर वाला घर अपना है। आलू ऐसे भागते नहीं। आलू इस फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? 4 होंगे भैया। तो इस फ्लैट में पहले कोई रहता था क्या? मुझे तो यही बताया गया था कि क्या ये घर सालों से खाली पड़ा है। पहले शायद कोई एनआरआई रहता था। वो देखिए मुझे 12वीं पढ़ना आ गया। मुझे चाबी दीजिए ना, मुझे चाबी दीजिए ना, मैं खोलूंगी, मुझे दो ना। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अच्छा हम साथ में खोलते हैं। 1 and 2। वाव कितना सुंदर फ्लैट है। अल्लू को फ्लैट पसंद आया। लिविंग रूम कितना स्पेशियस है ना भैया, और कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है, काफी स्पेशियस है, बिजनेस के लिए भी कंफर्टेबल है। वाह ये देखिए पूरा घर फुल फर्निश्ड है। सच में बहुत अच्छा फ्लैट है विनू। ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बालकनी है। आगे मास्टर बेडरूम है, वहाँ भी बालकनी अटैच्ड है। हाँ बहुत बढ़िया है। भाभी किचन पसंद आया? गैस सिलेंडर सब है यहाँ पर, आपको बस जाके खाना बनाना है। तो चलिए चाय से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करने की सोच रहा हूँ, छोटे मोटे काम के लिए अच्छा है। मीनू चाचू आप कहाँ सोएंगे? जहाँ मेरी क्यूटी पाई अल्लू सोएगी। अच्छा मीनू, लगता है जो भी पहले रहता था वो अच्छा खासा शौकीन था। भैया ये आजकल घर में अट्रैक्शन के लिए रखी जाती है। इस तरफ बालकनी से बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा घर मिला है। आ जाइए विनू, चाय पी लीजिए। अलो आओ। भाभी आज हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। ओके। आलू ये कौन सा तरीका है? रुको आलू, मस्ती करना बंद करो। उतर जाओ। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? पता नहीं क्यों रुक गई। ये क्या है, ये लिफ्ट क्यों खोल गई? अल्लू 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 आजा अंदर आओ। अल्लू ये 8th फ्लोर है, चुपचाप अंदर आओ। अल्लू अंदर आजा। आती हो कि नहीं? अल्लू अंदर आओ। सुनाई नहीं दे रहा? अल्लू बेटा वहाँ खड़े हो के क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दे रहा? चुपचाप अंदर आओ। अंदर आजा अल्लू, अंदर आओ। अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? पता नहीं भैया, जरा वॉचमैन से पूछो क्या हुआ। हाँ ओह क्या मुसीबत है, खाना भी नहीं खाने देते। हेलो। हाँ हेलो भैया, मैं 12B से बोल रहा हूँ। यहाँ पे डोर का लॉक पहले से ही खुला हुआ है। हाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है? डोर ओपन है, मैंने तो बंद किया था। मैंने चेक किया था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है आप लोग ही जल्दी में भूल गए होंगे। मुझे याद है मैंने लॉक लगाया था। हाँ अभी याद आया, उस डोर को ना डबल लॉक लगता है, आपको बताना भूल गया था। ओके
भैया वो उसने बोला कि इस डोर पे डबल लॉक है, बताना भूल गया। अब टेंशन मत लो, पता चल गया ना, चलो अंदर। या आजा बेटा। Wow. हाँ वो सामने गेट है। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप नीचे खेलने आए हो? बस 10 मिनट रुक जाओ, अब यहाँ पे स्कूल बस आने वाली है, आपके बहुत सारे फ्रेंड आएंगे, फिर उनके साथ खेल लेना। हाँ जाओ साइड में बैठो। हाय। हाय। आप 12B में रहते हो ना? लेकिन आपको कैसे पता? बस मुझे पता है, आपके चाचू का नाम विनय है ना? हाँ चाचू का यही नाम है। आपके चाचू बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे चाचू टीवी पे आते हैं और उनके बहुत सारे फैन हैं। नॉटी, चाचू से बाद में मिलूंगी, अभी के लिए अल्लू से दोस्ती कर लो। हाँ जी, आप कहाँ रहते हो? 8B में। कल मैं उस फ्लैट के पास आई थी, मैं आपसे मिलने आऊंगी। हाँ फिर तो अल्लू को चॉकलेट भी मिलेगी। तो फिर मैं अल्लू, अल्लू बेटा, अल्लू, अल्लू। हेलो, मैं 12B विनय सर के यहाँ से बोल रही हूँ। हाँ। नीचे कोई बच्ची खेल रही है क्या? हाँ मैडम, वो यहीं गार्डन में बैठी हुई है, उसको जल्दी ऊपर भेज दीजिए। ठीक है मैडम। बेटा मम्मी का फोन आया था, बुला रही है आपको। मम्मा। बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है? अरे अल्लू बेटा, हम तो आपसे मिलने आए हैं। छोटी सी बच्ची को डरा क्यों रहे हो? तू जूस पी। हाँ। मुझे जूस नहीं चाहिए आंटी। तो फिर क्या पियोगे? हॉर्लिक्स चलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ टॉम, चुपचाप जूस पी लो पहले। कूल मम्मी कूल। आ जाओ बेटा। बेटा बॉल तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। पापा, I want that. मेरे सामने का खत्म कर। I know that. I am Tom Kennedy George. मैं तो भूल ही गया था। Our son is very smart. जॉन के छोटे भाई चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के पोस्ट पे काम करते हैं। नाम है मिस्टर जोस कैनेडी जॉर्ज। बस अभी अभी चाइना में पोस्टिंग हुई है। अरे छोड़ो ये सब बातें, मैं भी DIG रह चुका हूँ। ये सारे बड़े बड़े पोस्ट सिर्फ कनेक्शन से मिलते हैं। बिल्कुल। आपसे क्या छुपाना? अब तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा। कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं जी। अब अल्लू बेटा कहाँ? We are leaving. हम फिर आएंगे, ठीक है? अब बस भी करो। चुपचाप खाना खाओ, इस बॉल का पीछा छोड़ो। अब बस भी करो। तुम्हारा काम हो गया? बस भैया काफी हद तक हो गया है। स्टूडियो सेट कर दिया, बस मैं काम शुरू कर सकता हूँ। एक अच्छे सिंगर की तरह तुम एस्टैब्लिश हो गए हो, बस अब तुम म्यूजिक डायरेक्शन भी शुरू कर दो तो तुम्हें काम ज्यादा मिलेगा। विनु भैया बात तो एकदम ठीक है आपकी, मूवीज के लिए हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। मैं काम शुरू करता हूँ, फिर आगे का देखते हैं।
हंस क्यों रही हो? चुपचाप खाना खाओ। हाँ तो क्या सोचा है तुमने? अरे अभी तो बताया। क्या बताया? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी जो तुम्हारे भैया कह रहे थे। देखो मैं तो ऑफिस में रहता हूँ और तुम अपने काम पे रहते हो। अगर ऐसे दोस्त बनाओगे तो शादी दूर की बात है, करियर भी नहीं बना पाओगे। अरे भाभी सब अच्छे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग। वो तो मैंने देख लिया कि तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा हम परसों वापस जा रहे हैं, तुम हम सबको रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देना। लेकिन भैया इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, अब तो जाना पड़ेगा ही। वैसे आपकी ट्रेन कौन सी है? वही ट्रेन जिससे हम आए थे। हाँ भाई चार लेने हैं, थोड़ा पैसा कम करो। हाँ हैं? क्या बोला? एक का 50 रुपए? बहुत महंगा है। हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम पैक करके रख दो। हाँ एक कड़क चाय देना। अब तो लगता है बिजनेस के लिए खुद को बेचना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई आप हिंदी भी बोल लेते हो। क्या करूं मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज हर एक चीज इतनी महंगी है, पहले इसके आधे दाम पर मिलती थी। भैया मैं यहाँ कोची में नौकरी के लिए आया था लेकिन चाय की टपरी खोलनी पड़ी। वैसे यहाँ महंगाई से सब कोई दुखी है, परेशान है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही तुमने ठीक कहा, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ रह के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और यहाँ के लोगों को काम ही नहीं मिलता। मैंने तो ये भी सुना है यहाँ पास के एक बिल्डिंग में 3 साल पहले एक हादसा हो गया था, गरीबी के वजह से 4 लड़कों ने घर के अंदर घुस के एक लड़के और लड़की को मार डाला था। तब से उस जगह पे उनकी आत्माएं घूमती रहती है, उस घर में कोई रह ही नहीं पाता। पक्का वही मरने वालों की आत्माएं होंगी। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, उन लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों किया? देखो गरीब को भूख के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अरे भाई मेरे चाय का ऑर्डर रेडी रखना। ठीक है भाई। भैया एक सिगरेट देना। हेलो ठीक है मैं आ सकता हूँ। ठीक है मैं भी आ जाता हूँ। मैं भी साउथ रेलवे स्टेशन के पास हूँ। ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है 2 मिनट में आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहे। हाँ ऐसा नहीं है, तुमने जो बोला था वो काम कर दिया मैंने। कितनी मुश्किल से हो पाई ये मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ए ये बात बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा ही काम किया, समझे क्या? अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो किसी और से करा लेते, खाली में मेरा समय बर्बाद कर दिया। कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं क्या सुन लूंगा? हाँ ठीक है टेंशन मत ले मैं रखता हूँ। ए छोटे चाय भेजना ऊपर, मस्त अदरक इलायची डाल के भेजना और चाय जो है वो गर्मा गर्म होनी चाहिए। भाई, क्या रे? डायरेक्टर जीवानंद जी उधर रहता है, लगता है नया मुर्गा फंसा है। आज के बाद मेरे पास आया ना तो देखना, पता नहीं क्यों दिमाग खराब करने आ जाते हैं। जा जा बहुत देखी तेरे जैसे बात करता है। रुक जा। अरे रुक, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मत जा मेरी रानी, चल हट। मत जा रानी, तेरे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मत जा। हाँ
हाय, मैं विनय हूँ। अभी हमारी बात हुई थी। तुम सिंगर हो क्या? हाँ जी। अंदर आओ। सर, विनय। हेलो सर, विनय। जी वानंद। वहाँ बैठ जाओ। विनय, तुम शराब पीते हो? थोड़ी सी लोगे? नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हाँ तो बोलो। एक अच्छे कलाकार को दुनिया पहचान ही नहीं पाती है, और जो बड़ी बड़ी अपनी पहचान बना लेते हैं उन्हें कुछ आता तो है नहीं, दुनिया में उन्हीं का बोलबाला होता है रहता है। इसीलिए तो हम जैसे सच्चे लोग यहाँ ऐसे शराब में डूबे रहते हैं, और दुनिया में हमें कोई पूछता भी नहीं है। जिंदगी के इतने साल बस ऐसे ही निकाल दिए। हम पागल बैठे हुए क्या यहाँ? हेलो। हाँ बोलो, क्या काम है? मतलब वो तो ठीक है। हाँ बोलो ना, क्या चाहिए? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, उधर जाके बात कर। मिल तो जाएगा, लेकिन पैसे कितने? बताता हूँ, बताता हूँ भैया। वो थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैं पहले सर से पूछूंगा, उसके बाद। ओके रखता हूँ। ओके। सर काम के लिए फोन आया था। किसका फोन था? वो सामने से एक पार्टी आई है, आपके साथ मूवी बनाना चाहती है। पैसे की बात हुई? हाँ, पैसे की बात हो गई है। वेरी गुड। अभी काम आ ही गया है तो मीटिंग करके हम लोग देख ही लेते हैं, साथ में स्टोरी भी सुन लेंगे। मिस्टर विनय, ये मुझे असिस्ट करता है। सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे विनय, लेकिन साथ में काम करने के लिए हमारे सोच का मिलना भी बहुत जरूरी है। वैसे सर मेरे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं? तो सर हम प्रोजेक्ट के लिए यहीं बैठने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ तो कहीं और बैठ जाएंगे। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। Thank you.
कौन है? कौन है? अरे क्या हुआ? अरे मैं हूँ कोची वड़ा। तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? बस ऐसे ही सोचा इस वक्त चल के तुम्हें सरप्राइज दे दूं। चौंक गए ना? हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ। मैंने सोचा कि आज ही चलता हूँ तुम्हारे वहाँ। ये सही में तुम्हारा फ्लैट है? ये सच में बहुत बड़ा और आलिशान फ्लैट है। बहुत बढ़िया। और बाकी सब कैसे हैं? ठीक है, अंजनी का तो फास्ट चल रहा है, बाकी बच्चा पांचवी कक्षा में है, और बाकी सारे दोस्तों से तो तुमने बात कर ही ली थी। मेरा सरप्राइज क्या है? बता बता। मतलब? मेरी बॉटल। तू कभी सुधरने वाला नहीं है, इतना बड़ा सिंगर हो गया पर अभी तक तेरी आदत सुधरी नहीं। रुक जा, तेरा तोहफा कैसे भूल सकता हूँ। ले बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, मजे कर। तूने घर पे क्या बोला है? बस ये मत पूछना, तुझसे मिलने तो आना ही था, अगर घर वालों को बताता तो सब यहाँ आने की जिद करते। तो उन्हें भी ले आते साथ में? हाँ लेके तो आ जाता, लेकिन गांव में भी तो काम है, वहां पर भी तो कोई चाहिए। पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं मेरे, क्या करूं। एक और लेते हैं। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? मैं तो फ्लैट में हूँ। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए, बस फ्रेश होके बैठे हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अल्लू कब से बोल रही है कि तुमसे बात करनी है। हाँ लो बात करो। हेलो विनय चाचू। अल्लू चाचू, आपने खाना खाया? मैंने खा लिया, और तुमने? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। वेरी गुड, तो ये बताओ क्या बात करनी थी? पता है, वहाँ ना एक आंटी मिली थी। कौन सी आंटी? वो एडबी वाली आंटी। वो आपको बहुत पसंद करती हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन है वो आंटी। ऐसा है, आपके चाचू टीवी पर आते रहते हैं ना, इसलिए ना मेरे बहुत सारे फैंस हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो आंटी ने मुझे अपने फ्लैट में भी बुलाया था, कहा मेरे साथ भी खेलेगी। कब? जब मैं वापस आऊंगी। हाँ हाँ ओके, आप चले जाना, आपको मैं ले चलूंगा। ठीक है चाचू। ठीक है, अब रखूं। गुड नाइट। गुड नाइट। हे, शिट, ओह शिट, you
हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एलेक्स, मुझे लिफ्ट की कंप्लेंट करनी थी। क्या हुआ लिफ्ट को? कल ही तो सर्विसिंग कराई थी। हाँ, लेकिन लिफ्ट बार बार रुक जाती है। पर और किसी की तो ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। और हाँ एलेक्स भाई, वो फ्लैट नंबर 8B में कोई रहता है क्या? कौन सा फ्लैट बोला? 8B। थॉमस सर अभी आया। भाई एक सिगरेट देना। हाँ देता हूँ। मुझे वो फ्लैट के बारे में जानना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन सा फ्लैट? वही फ्लैट जो कंपटीशन के विनर को मिला है, जहाँ मर्डर हुआ था। वो फ्लैट जो इतने समय से बिक नहीं रहा था, शायद इसीलिए उसने दे दिया। सुना है कई साल पहले वहाँ उस जगह पे एक हादसा हुआ था, पर हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, मैं रहने के लिए घर ढूंढ रहा था इसलिए पूछा, बाकी कोई बात नहीं। आपको पता है कि वहाँ क्या हादसा हुआ था? वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नहीं पता, वहाँ आत्मा रहती है। 8B फ्लैट में चुड़ैल रहती है जो किसी किसी को दिखती है। हीरा जो उस अपार्टमेंट में नई नई रहने आई थी, उस फ्लैट का नंबर था 12B, लेकिन वो किसी और के लिए वहाँ रहने आई थी। उसने घर साफ करने के लिए एक लड़के को बुलाया और उस लड़के ने अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। वो जिसके लिए आई थी वो अपनी बीवी के साथ 8B में रहता था। ये सब पता चलने के बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी बीवी की यहाँ आत्मा घूमती है। लेकिन भाई तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? ओ भाई, तुमने क्यों पूछा ये सब? तुम कहाँ रहते हो? रेलकॉन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 12B। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें दिखना आम बात है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं डॉक्टर। सी मिस्टर विनय, डेफिनेटली इट्स ओनली योर फीलिंग्स, ये सब कुछ आपके दिमाग का वहम है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। अगर ऐसी बात है ना, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूं। ये दवाइयां आपके दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगी, बस इसे टाइम पे लेते रहिएगा। मुझे नहीं पता डॉक्टर कि ये दवाई कितना काम करेगी। इन दिनों जो भी मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और अब तो पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आती डॉक्टर। विनय, वी प्रैक्टिकल, ये सब सोचना बंद करो। जितना तुम इस बारे में सोचोगे उतना ही ये सारी चीजें तुम्हें परेशान करती रहेंगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे साइंस में आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं। मेरा यकीन मानो, उस फ्लैट में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अपना दिमाग काम में लगाओ। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। क्या है, बहुत दिनों से भाई ने पार्टी नहीं की है। हो सकता है ये भी एक कारण हो। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में पॉजिटिव काम करते रहो और खुद पर भरोसा भी रखो। तुम्हारे जैसा एक और पेशेंट था, वो भी बिल्कुल अकेला रहता था, उसे भी बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती थी। वो भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने इन सब चीजों से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की। सच तो ये था कि ये सब उसके दिमाग का फितूर था। हम अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो हमें सब सच लगने लगती है। जैसे हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पर यह पूरे प्रोसेस को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से इंसानों की आदतें भी है जो बदलती रहती हैं। तुम्हारा क्या कहना है डॉक्टर करियो? ये बहुत लकी है कि सम्मान के रूप में अच्छी जगह इसको बड़ा फ्लैट मिला है, और फिर ऐसी बातें कर रहा है। इसको जरा सी उस फ्लैट की अहमियत नहीं है, बस जब देखो चुप कराता रहता है। ध्यान से सुन ले, उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी इसकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। विनय, तुम अपने मन से ये आत्माओं की कहानी निकालकर बाहर फेंक दो, इन सब में 1% भी सच्चाई नहीं होती है। विनय, देयर इज नथिंग टू वरी, फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से ये सारा डर निकाल दो
और सारा ध्यान अपने काम में लगाओ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विनय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। पता नहीं कौन है। बिल्डिंग में इतना गद्दा भी घर हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जाइला। ए, लिफ्ट, 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 लिफ्ट। बटन भी खराब है। रेसिंग लगानी है। मैं अभी बताता हूँ। चल बेटा कोची शुरू हो जा। खुल जा, खुल जा, खुल जा। ये कैसे हुआ? अभी तो लिफ्ट ऊपर आ रही थी। शायद लिफ्ट खराब हो गई होगी। मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी फ्लोर पे पहुंच गया। आज उसने अल पाचिनो का नाम लेकर मुझे बहुत पकाया, और तो और सिनेमा की बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? जब मैं पीने बैठता हूं तभी कुछ ना कुछ होता है। कौन चाहिए? विनय कहाँ है? है? नहीं, वो बाहर गया। आप भी यहीं रहती है क्या? मैं भी यहीं 8B में रहती हूँ। यानी ऊपर? नहीं, नीचे। ओह नीचे। आपको उसी से मिलना है? मतलब? यहाँ हम लोग को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी भी करेंगे, जरूर करेंगे। बस बताइए क्या करना है। आपसे नहीं, विनय उन्हीं से मिलना है मुझे। तो फिर ठीक है, अंदर आ जाइए। अंदर आके उसका वेट कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा मैं आई थी। वैसे आपको काम क्या है? उसे मिलने का कारण बता सकती हैं? मैं 8B में रहती हूँ, उन्हें बता दीजिएगा। नीचे कोई रहता है ऐसा लगा तो नहीं था। छोड़ो, अपने ड्रिंक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अपने को क्या पड़ी है? मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? दो मिनट, अभी खोलता हूँ। विनय,
क्या सोचा था और कौन आ गया? ये कौन से स्टाइल से दरवाजा ओपन किया तूने? ये कौन सी स्टाइल थी? तू तो किसी लड़की को पसंद करता नहीं ना, और अपने दोस्तों को भी नहीं करने देता है, मेरा नाकारा दोस्त। छोड़ दो मुझे। ओह, यहाँ तो कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, रोज रोज इतना नहीं पीते, लीवर पे असर पड़ता है यार। हाँ, जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, ऐसा है तो एक गिलास और ले क्या। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम उससे कितना प्यार करता है। जब तक ही वापस आता है मैं इसे खत्म कर लेता हूं। हाय, गुड इवनिंग सर। यस, आई एम राहुल फ्रॉम चिकिंग्स। टेल मी, इट्स योर ऑर्डर। ऑर्डर? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं मंगाया सर। ये रेलकोन अपार्टमेंट 12 भी है ना? हाँ है, ऑनलाइन ऑर्डर है सर। तुम गलत फ्लैट पे आ गए हो, मैंने ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर नहीं किया है। 999-55-97-802 यही नंबर है ना सर? हाँ है, ऑनलाइन ऑर्डर है सर। देखो, मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है सर। आपने नहीं, आपकी वाइफ ने। वाइफ? हेलो, आई एम नॉट मैरिड। सॉरी सर, ये ऑनलाइन सर्विस है सर, आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, आपको लेना ही पड़ेगा। चिकन है तो निकालो। ये हमारा नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग सर, चिकिंग्स। हेलो, रेलकोन अपार्टमेंट 12 बी की कोई डिलीवरी भेजी थी आपने, ऑर्डर किसने किया बता सकते हैं आप? वन सेकेंड सर, इस एड्रेस पर तो कोई ऑर्डर नहीं गया। राहुल नाम का कोई डिलीवरी बॉय काम करता है आपके पास? राहुल? नो सर, इस नाम का हमारे यहाँ कोई नहीं है सर। आइए सर, आइए, वेलकम। मुझे लगा तुम फैमिली के साथ रहते होगे विनय। नहीं सर, फैमिली तो अभी बनानी बाकी है सर। ये हमेशा बीच में क्यों बोलते रहता है? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सर, और मेरी जान भी है। अच्छा सर, फ्लैट देखा आपने? फ्लैट? ये फ्लैट में काफी बदलाव करना पड़ेगा। रेत सीमेंट सबका इंतजाम करो, और हर एक कोने को ठीक करने के लिए अपने आंखें और दिमाग खोल के रखो। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। परचेज ऑफ अ साइट एंड लैंड इन द सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इज वेरी इम्पॉसिबल। आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, इसीलिए सब मुझे ही करना पड़ेगा विनय। सपनों का घर एक ही बार बनता है, क्या मैंने बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक इंटरनेशनल कंपनी को जानता हूँ जो फूड पैकेट का अच्छा बिजनेस करती है। वहाँ का जो मालिक है वो मुझे बहुत, मतलब बहुत ही मानता है। उसके साथ मैंने एक ही बार काम किया है, यही मार्केट का रूल है। यू नो इट, आई नो इट वेरी वेल। ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको रोक। यहाँ कुछ लिमिटेशंस है सर। वो क्या है ना कि यहाँ बहुत शरीफ लोग रहते हैं सर। हम भी तो शरीफ ही हैं। मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, हर एक इंसान अपने सुविधा के हिसाब से ही रहता है, और एक कलाकार खुल के रहे तो अच्छा काम कर सकता है, उसका हर पल अमूल्य होता है।
वो बहुत इमोशनल होता है, दिमाग हमेशा क्रिएटिविटी में चलता है, तो रोकना गलत है उसे। हाँ, इसे यहीं सुखा देता हूँ। वो रूम है सर के लिए और हमारे लिए। तुम लोग तो कहीं भी सो सकते हो। सेम पिंच। विजय, इस घर में तो हमें रहना ही है, पर ये बिल्डिंग मुझे समझ भी नहीं आती। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। घर हो तो हमारे गांव जैसा हो, बड़े बड़े कमरे और हर घर के हर कोने को न्याय मिलता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। बचपन में मैं माँ के साथ रहता था, वहाँ की बात ही कुछ और थी। ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब सर? हवा भी नहीं है। देखिए, फैन चलाने पे अच्छी हवा आती है यहाँ। हाँ विजय सुनो, उस कमरे में जाकर एक बार चेक करो, किसी चीज की कमी ना हो। विनय जल्दी जाके चेक करो। खराब चीजें क्यों देंगे? हाँ सुनो, एक और जरूरी बात भी है, एक आसन भी चाहिए होगा जो सबसे आरामदायक और अच्छा हो। आसन? किसके लिए आसन? योग आसन के लिए। मुझे एक क्रिया करनी है, कुंडलिनी जागृत करने के लिए, दसों इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, सभी ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। प्राणायाम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। विनय, खाने का क्या इंतजाम किया है? किचन में सारा सामान रखा है, बस कल से कुक भी आ जाएगा। अभी खाना ऑर्डर कर ले। कुक आने वाला है? हाँ। तुम चिंता मत करो, खाना हम बना लेंगे। ठीक है सर। खाना तो मंगा ही रहे हो, पर बोतल मत भूलना। ठीक है सर। Help me!
मेरे प्यारे दोस्त, मैं कोच्ची वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज तक मैंने तेरा साथ जिंदगी के हर पड़ाव पे दिया है और आगे भी देता रहूंगा। बस इस बार नहीं, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए तुझसे मिलने आया था। तूने हमेशा इस घर के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर मैंने उस पे यकीन नहीं किया। पर कल रात को जो भी हुआ उससे मेरी रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। एक काम कर, तू भी वहां से निकल जा, तेरे लिए यही सही होगा। तू अपना ध्यान रखना। तेरा कोची वाला। अब मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, माफ करना। हेलो भैया। हाँ विनय, तुम कहाँ हो? फ्लैट में हो। हम त्रिवेंद्रम आराम से पहुंच गए, बस अभी फ्रेश होके बैठे हैं। ट्रेन टाइम पे थी। अल्लू को तुमसे बात करनी है। ले बेटा बात कर। मीनू चाचू, चाचू आपने खाना खाया? हाँ चाचू, हमने आज भी होटल में खाना खाया। पता है, मुझे वहाँ एक आंटी मिली थी। वो आंटी एट बी में रहती है। वो आपको बहुत पसंद करती है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। आंटी ने मुझे फ्लैट में भी बुलाया था, कहा था मेरे साथ खेलेगी। सो स्वीट चाचू। माय स्वीट चाचू, गुड नाइट।
हूँ।